वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसीलिए राजनाथ सिंह जी से हम लोग मिलकर वो जो हम लोग तेलंगाना सरकार की जगह डिफेंस के लिए बदली किए, पर वापस में जो तेलंगाना को जो मिलने का जगह था वो नहीं मिला था, इसीलिए हम लोग राजनाथ सिंह से तेलंगाना सरकार की तरफ से हमारा दरखास्त किए, आगे कार्रवाई करने के लिए राजनाथ सिंह जी ने वादा किया था। दूसरी बात, हर प्रदेश में सैनिक स्कूल है, पूरा हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल है, आंध्र प्रदेश में 2 है, कर्नाटक में हर प्रदेश में सैनिक स्कूल है केंद्र सरकार के, पर तेलंगाना में कोई एक भी सैनिक स्कूल नहीं है। 10 साल KCR पूछा है नहीं, मोदी जी दिया ही नहीं, इसीलिए इस बार हम लोग राजनाथ सिंह जी से मिलकर तेलंगाना के लिए, तेलंगाना स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए सैनिक स्कूल देने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट किए। राजनाथ सिंह जी ने कोशिश करने के लिए वादा किया, तो इसीलिए तुरंत सैनिक स्कूल भी तेलंगाना को देने के लिए हम लोग राजनाथ सिंह से रिक्वेस्ट किए। और कटर जी से जो हैदराबाद डेवलपमेंट के लिए, मुझे रिवर फ्रंट के लिए एंड मेट्रो रेल के लिए एंड प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में गरीब लोगों को घरों के लिए हम लोग रिप्रेजेंट किए। हमारा जितने भी पेंडिंग इश्यूज है दो मंत्रियों से, दोनों से मिलकर तेलंगाना सरकार को, तेलंगाना जनता को जो मिलने का है वो पूरा रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। आगे बजट में तेलंगाना के लिए जो फंड्स लगाना है तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए, मैं ये याद दिलवाया, नरेंद्र मोदी जी ने बार बार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, जब हिंदुस्तान के बजट, हिंदुस्तान के इकोनॉमी 5 ट्रिलियन पहुंचना है तो